महाराष्ट्र में कृषि उपज की कीमत को लेकर किसानों की समस्या थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ के किसान प्याज की सबसे कम कीमत के संकट से उभर भी नहीं पाए थे कि तब तक हल्दी की कीमत में गिरावट का रुख शुरू हो गया। इससे हजारों किसान परेशान हैं। किसानों का कहना है कि कोरोना काल में लोगों की रोग प्रतिरोग क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हल्दी की कीमत कुछ समय से अच्छी हो रही थी, लेकिन अब इसमें कमी आ गई है। एक महीने पहले हल्दी का भाव 8,000 रुपए से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल था, लेकिन अब ये घटकर 4,500 रुपए से 6,000 रुपए पर आ गया है। जिन बाजारों में हिंगोली और बासमत की आवक अधिक है, वहां भाव में कमी आई है। वहीं किसानों का कहना है कि पहले हल्दी की अच्छी कीमत मिल रही थी, लेकिन अब खरीफ सीजन शुरू होते ही हल्दी की कीमतों में भारी गिरावट आई है। वहीं नांदेड़ जिले के किसान जहां खरीफ सीजन के लिए हल्दी के बीज बेचकर अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे हैं, वहीं कई जगहों के किसान कीमतों में गिरावट से काफी परेशान हैं। किसानों का मन में ये सवाल उठ रहा है कि अभी इसकी खेती करें या ना करें। एक महीने पहले तक हल्दी के दाम ज्यादा मिल रहे थे, लेकिन अब अचानक कीमत इतनी गिर गई है। अगर इसी तरह दाम गिरते रहे तो किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल बन गया है। वहीं जिले के किसानों का कहना है कि व्यापारियों की वजह से हल्दी का रंग फीका पड़ गया है। एक महीने पहले हल्दी की कीमत 8,000 रुपए से 9,000 रुपए प्रति क्विंटल थी, लेकिन पिछले 4 दिनों से हल्दी की कीमत 8,000 रुपए से घटकर 4,500 रुपए हो गई है। वहीं व्यापारियों की ओर से कहा जा रहा है कि हल्दी की आवक बढ़ने से ऐसी स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि किसानों का कहना है कि व्यापारी ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा आवक का माहौल बना रहे हैं। वहीं हल्दी मराठवाड़ा के नांदेड़ और हिंगोली जिले में व्यापक रूप से उगाई जाती है। इसके अलावा हिंगोली जिले के बासमत में एक मुख्य बाजार है। वहीं हल्दी मराठवाड़ा सहित पश्चिमी महाराष्ट्र से भी आती है। एक महीने के भीतर कीमतों में 4,000 रुपए की कमी आई है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी जानकारी किसानों को नहीं है। वहीं हल्दी का उत्पादन इतना नहीं है कि कीमत आधी कर दी जाए। कृषि विशेषज्ञ किसानों से हल्दी बेचने के बजाय भंडारण पर ध्यान देने की अपील कर रहे हैं, ताकि अब अच्छी कीमत आए तो आपको सही पैसा मिले। वहीं 9 जून को सांगली में हल्दी का न्यूनतम समर्थन भाव 9,000 रुपए प्रति क्विंटल था। वहीं हल्दी की खेती करने वाले किसान लंबे समय से हल्दी बोर्ड बनाकर इसे MSP के दायरे में लाने की मांग कर रहे हैं। इस मांग को लेकर तेलंगाना के किसान लगातार सरकार के सामने सवाल उठा रहे हैं, ताकि हल्दी उत्पादक किसानों की समस्या समाधान हो सके, उन्हें अच्छी कीमत मिले। वहीं किसानों का कहना है कि कीमत इतनी कम होने के पीछे व्यापारियों के खेल है। पहले माहौल बनाकर सस्ते में खरीदेंगे, जब किसानों के पास माल नहीं होगा तो वह उन्हें महंगा बेचेंगे। किसानों का कहना है कि 5,000 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भी दाम नहीं मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।